दोस्तों आपका स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको रविंद्रा सिंह भाटी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं और वो अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं। इनका पूरा नाम रविंद्रा सिंह भाटी है लेकिन इनको प्यार से रवसा बुलाते हैं। रविंद्रा का जन्म 3 दिसंबर 1997 को दुधोड़ा बाड़मेर राजस्थान में हुआ था और 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 26 साल है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने स्कूल की पढ़ाई हरसानी के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से की है और आगे की पढ़ाई जोधपुर के जय नारायण यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और LLB किया। और जोधपुर की JNVU में आने के बाद रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति में आए और रविंद्र सिंह भाटी ने साल 2016 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने उसी साल जीते हुए कुणाल सिंह भाटी के साथ कॉलेज में लड़ना शुरू कर दिया। कुणाल सिंह भाटी इनके मित्र भी हैं जिसके कारण रविंद्र सिंह हमेशा कुणाल सिंह भाटी के साथ ही दिखाई देते थे। यूनिवर्सिटी के हर रैली में रविंद्र सिंह भाटी भी नजर आते। कुणाल सिंह ABVP से जीते दी और कॉलेज के प्रेसिडेंट थे इसलिए रविंद्र सिंह भाटी भी ABVP में आ गए और राजनीति में आगे बढ़ते रहे। और जब साल 2019 में कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हो रहे थे तब रविंद्र सिंह भाटी के दोस्तों ने उन्हें चुनाव लड़ने को कहा। रविंद्र सिंह भाटी के साथ यूनिवर्सिटी के काफी छात्र छात्राएं थी। रविंद्र सिंह भाटी ने ABVP से अपनी दावेदारी पेश की लेकिन ABVP ने रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया और सभी की सहमति से उन्होंने कॉलेज चुनाव में निर्दलीय से खड़े होने को कहा। JNVU का इतिहास रहा था कि निर्दलीय वोटिंग नहीं हो सकते। रविंद्र सिंह भाटी किसी भी हालत में इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते लेकिन लोगों ने ये गलत साबित कर दिया। सभी समाज के लोगों ने रविंद्र सिंह भाटी का खूब साथ दिया और खुद रविंद्र सिंह भाटी हमेशा जातिवाद से ऊपर उठकर ही काम करते आए हैं जिसके परिणाम स्वरूप रविंद्र सिंह भाटी ने इसी यूनिवर्सिटी से 1294 से जीत दर्ज की जो यूनिवर्सिटी का एक नया रिकॉर्ड बन गया और यूनिवर्सिटी को पहला निर्दलीय प्रेसिडेंट मिल गया। रविंद्र सिंह भाटी ने सबसे बड़ा आंदोलन 2021 में किया था। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल खुले भी नहीं लेकिन स्टूडेंट्स से फीस ली गई थी और न ही परीक्षा हुई लेकिन परीक्षा फीस ली, इसलिए यह दोनों तरह की फीस माफी के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने आंदोलन किया। रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान के सभी संभागों जिलों और तहसील में जाकर यह आंदोलन किया और 13 सितंबर को जयपुर में विधानसभा पहुंच गए जो अब तक सबसे बड़ा स्टूडेंट्स आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन के बाद रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के हर क्षेत्र में एक छात्र नेता के तौर पर छा गए और पश्चिमी राजस्थान के सबसे उभरते हुए युवा नेता के तौर पर सामने आए। राजस्थान के कई युवा यही कयास लगा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी साल 2023 में विधानसभा में आसानी से पहुंच जाएंगे। युवा उनको चुनाव की सलाह भी दे रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी से कई नेता पदों पर हैं। CM अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, बाबू सिंह राठौड़ सहित कई ऐसे नेता हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं। और 2023 में रविंद्र ने BJP के लिए टिकट लेने गए लेकिन उनको BJP की टिकट नहीं मिली और निर्दलीय से चुनाव में खड़े हुए और बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और रविंद्र ने 44 साल के दिग्गज अमीन खान को हरा दिया। और बन गए शिव के MLA। अब हम बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक स्कॉर्पियो 11 जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। इनके पास एक ऑडी Q5 भी है जिसकी कीमत 62 लाख रुपए है। इनके पास एक फॉर्चूनर भी है जो कि 55 लाख रुपए की है। इनके पास एक डिफेंडर भी जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इनको अपनी डिफेंडर गाड़ी बहुत पसंद है। इनकी ज्यादातर रैली में रविंद्र डिफेंडर का ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। रवसा महीना का लगभग 5 से 6 लाख तक कमा लेते हैं और इनकी नेटवर्थ लगभग 20 करोड़ रुपए है। अब हम बात करते हैं रवसा की पॉपुलैरिटी के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि राजस्थान का हर व्यक्ति इनको उनकी स्टाइल और व्यवहार से जानता है। रविंद्र के फेसबुक पर 9 लाख से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पर रविंद्र को 18 लाख लोग इन्हें फॉलो करते हैं और दोनों ही जगह इनके पास वेरीफाइड टिक है। तो ये थी रविंद्र सिंह भाटी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।